अदब एहतराम बहुत बढ़िया, ईमानदार आदमी, इसलिए हमने यहाँ पे प्लॉट लिया भरोसे पे। हिंदू भाइयों को मस्जिद मंदिर दी जा रही, मुसलमान को मस्जिद किस्तों पे दी। किस्तों पे तो किस तरह से लगता है आपको? कभी 3,000 कभी 4,000, जैसे मर्जी जैसे दे रही, कभी दे भी नहीं रही। 4-5 महीना तो गई नहीं, जब आलम भैया टोका नहीं। 40-50 हज़ार भी है उनके दे दिए, बोल दिए इतना परेशानी है, तो वो बेचारे खुद अपना आके बनवा देंगे। आके तू रहे भाई, मैंने फोन किया हूँ, तुरंत सीमेंट गिरवाए, तुरंत वो गिरवाए, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पहली बार दोस्तों YouTube पर ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जिसके अंदर अगर आप दिल्ली NCR में कहीं प्लॉट ले रहे हैं तो वो आपको बना करके दिया जा रहा है। तो दोस्तों प्लॉट तो देखो सभी ले लेते हैं, लेकिन बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हो पाते। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको प्लॉट भी मिलेगा और आपके लिए बना करके भी दिया जाएगा। देखते हैं कितना अच्छा घर बना हुआ है। हमारे बहुत सारे भाई हैं इस तरह के प्लॉट बना के यहाँ पर रह रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है। सर आपका क्या नाम है? अनिल यादव। लाइट पानी बिजली सब मिल रहा है आपको? जी जी। क्या बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर प्लॉट लेकर। इनका किस्त 2 साल नहीं गया है, कभी आज तक टोके नहीं, ना कभी बोलने आए, या बोरिंग उनका भी करवा के दिए, किस्तों पे दिए। यहाँ 70 गज ये मेरी छोटी वाली बुआ का बन रहा है, आज तक उन्होंने ये नहीं बोले ये चीज के लिए। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। वेलकम बैक टू माई चैनल सिराज सैफी। तो दोस्तों सिराज सैफी की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको लेकर के आए एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। ऐसी प्रॉपर्टी यानी कह सकते हैं YouTube पर पहली बार ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है जहां पर आपको बना बनाया घर किस्तों पे मिलता है, और वो सिर्फ एक ही जगह मिलता है, न्यू आलम प्रॉपर्टीज। तो वीडियो के अंदर हमारे साथ है हमारे आलम भाई। आलम भाई क्या हाल चाल है? बड़े जी आप सुनो। बिल्कुल ठीक। आलम भाई हमारे व्यूवर्स को बताएं आज की वीडियो में जो आप प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं क्या लोकेशन है, अगर हम बात करें दिल्ली से कितनी दूरी पर है, और आप जो ये घर दे रहे हैं लेने लोगों को रहने के लिए, एक छत दे रहे हैं, बना बनाया घर किस्तों पर किस तरह से दे रहे हैं? सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपको 3 साल के टाइम पे किस्तों में प्लाट दे रहा हूँ। ठीक है जी। और ये खजूरी पुश्ते रोड पे पड़ता है पूजा कॉलोनी। हाँ जी। उसी के पूजा कॉलोनी के आसपास में ये ट्रोनिका सिटी के जस्ट बराबर में है। ठीक है। 3 साल का टाइम है, 3.5 साल का टाइम है, और खाली प्लॉट भी देते हैं हम, बना के भी देते हैं। ठीक है। और जैसा आप चाहो हर तरीके की जमीन है हमारे पास, 7,000 रुपये गज है, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, जैसा आपको चाहिएगा ऐसा मिल जाएगा। अच्छा सर, किस्तों का जो टाइम है आपका 3 साल का है, बाई चांस अगर कोई लेट हो जाता है तो? बाई चांस जो लेट हो जाता है वो आपने देखा ही होगा भाई, सबको कोऑपरेट करता हूँ मैं। हाँ जी। फिर भी देखो मैं यही सोचता हूँ कि जिस बंदे ने किसी ने प्लॉट लिया है तो सब यही चाहेगा कि मैं मुझ पे कर्जा है वो जल्दी से जल्दी उतारूं। हाँ जी, हाँ जी। पर लोगों पे कुछ ना कुछ परेशानी होती है, तो मैं भी ये सोचता हूँ भाई इनके साथ कोई मजबूरी होगी तो इसलिए मैं टाइम आगे बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ना उसमें पेनल्टी लगती, ना ब्याज लगेगा, ना कुछ। जो रेट होगा वही आपको देना है, जो आप अब लेते हो जितना जल्दी लोगे उतना आप प्रॉफिट उठा पाओगे। ठीक है। एक बार आओ देखो, पसंद आए लेना, वरना ये सोचना अपने छोटे भाई के पास घूमने आगे। क्या बात है। यानी दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं आने वाले टाइम में आपको दिल्ली देहरादून रोड, जो कि 8 लाइन का रोड, आपको यहाँ से मिलने वाला है। देहरादून यहाँ से 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे, और दिल्ली यहाँ से 1/2 किलोमीटर हटके हमारे पास। यानी ये जो आपको सारी प्रॉपर्टी मिलती है दिल्ली से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिर्फ 30-35% दे करके बना बनाया घर किस्तों पे ले सकते हैं। ट्रोनिका सिटी के बराबर में पड़ता है, राजनगर सिटी फेज 3। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं राजनगर सिटी फेज 3 और आपको दिखाते हैं वहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। तो ये देख सकते हैं हम आगे हैं बिल्कुल मेन भजनपुरा चौक पे, सामने लिखा हुआ है वजीराबाद की तरफ लेफ्ट, सभापुर के लिए राइट, और राइट के लिए यमुना विहार आप पहुँच जाते हैं दिल्ली में। ये पूरा दिल्ली का एरिया है जो कि आपका कहलाता है भजनपुरा। आपको राइट की तरफ यह मंदिर दिखाई दे रहा है, और सामने ये फ्लाईओवर है, और यहाँ से आपको फ्लाईओवर बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे से निकल के जाना है, लेकिन अभी यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है। तो दोस्तों अभी यू टर्न लिया है हमने, देखो सामने वही रोड आपको दिखाई दे रहा है, हमने अभी यू टर्न लिया है। यू टर्न लेकर के हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट की तरफ जैसे ही हम जाएंगे ये हमारा पूरा भजनपुरा चौक है जो आपको दिख रहा है, और लेफ्ट की तरफ हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से खजूरी पुस्ता। तो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड पे दिखेगा न्यू आलम प्रॉपर्टीज़, ये आलम भाई का यहाँ पर ऑफिस है, और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको सारी साइटें दिखा दी जाएंगी।
जो हमारा चौराहा है सर, इसको क्या कहते हैं? ये पूजा चौक है। हाँ जी। और ये अब कुछ दिन के बाद ये बहुत बड़ा यहाँ पे गोल चक्र बनेगा। क्या सबसे बड़ा गोल चक्र है ये, जो कि अक्षरधाम से लेके सीधा यहाँ तक आएगा। अगर हम राइट की तरफ जाते हैं जी, दिल्ली तरफ सादरे की तरफ जा सकते जी जी सादरा, और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो बड़ौद बाग पर सामने सहारनपुर जा सकते हैं। ठीक है, क्या बात है। चौधरी रंजीत सिंह गेट से आपको एंटर होना है। सर जैसे ही हम यहाँ पे रंजीत सिंह गेट से घुसते हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट देखने को मिल जाती है। क्या बात है। तो ये आप यहाँ पे जितनी भी जमीन देख रहे हो ये इधर साइड में आपको राइट साइड में ये सब किस्तों में काटी है, हम ही ने काटी है। क्या बात है। तो सर हम किस्तों में काटी। हाँ जी, किस्तों में काटी है और आज भी यहाँ पे साइड काट रहे हैं हम। ठीक है ठीक है, उसको भी हम दिखा दे। उसका नाम निशांत कॉलोनी है। आपको मिलता है ये सीआरसी पब्लिक स्कूल। ठीक है ठीक है। और इधर ही आपको लेफ्ट हैंड पे राशन दफ्तर मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये राम सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ये जल्दी बनने वाला है यहाँ पे डिग्री कॉलेज, जो जी सुभाष यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होगा। ठीक है जी। और इसी के बराबर में आपको सीबीएसई बोर्ड से दिल्ली से मान्यता प्राप्त, ठीक है, जिसका भी रिजल्ट जो आया था बहुत ही अच्छा आया था। सर ये सिटी जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे जो क्रिकेट खेलना चाहता है उसके लिए क्रिकेट एकेडमी है ये। क्या बात है। दोस्तों देख सकते हैं ये पूरी एक क्रिकेट एकेडमी है, यानी यहाँ पर लोग क्रिकेट सीखने और खेलने नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर पूरी तैयारी करने के लिए आते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए बिल्कुल एग्जैक्ट साइट पर और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, आलम भाई ने यहाँ पर कुछ घर बना करके दिए हुए, देख सकते हैं ऊपर लाइट भी आपको दिखाई दे रही है, यानी लाइट की पूरी व्यवस्था है। तो सर ये जो घर है ये भी बना करके दिया आलम भाई जी? आलम भाई ने बना के दिया सर। क्या बात है। अच्छा सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आलम भाई ने जो भी यहाँ प्लॉट दिए अगर हम बनवा करके लेना चाहें या खाली प्लॉट लेना चाहें तो आपने किस तरह से लिया? हमने सर प्लॉट लिया है डायरेक्टली, पैसे आधे पैसे दिए और आधे अपनी मर्जी से चाहे जब देते रहो। क्या बात। तो दोस्तों यहाँ पे सर सुविधा भी सारी दी जा रही है, हिंदू भाइयों को मस्जिद मंदिर दी जा रही, मुसलमान को मस्जिद, और अदब एहतराम बहुत बढ़िया, ईमानदार आदमी, इसलिए हमने यहाँ पे प्लॉट लिया भरोसे पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रस्ट है लोगों को आलम भाई पे। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, ये प्लॉट की बाउंड्री देख सकते हैं, यहाँ पर आप प्लॉट भी ले सकते हैं खाली और चाहें तो बनवा करके एक अपना घर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे एक भाई और हैं, भैया आपने भी प्लॉट लिया है? प्लॉट ले रखा। तो वो बनवा करके लिया है खाली लिया? खाली लिया बाउंड्री करके। अच्छा, यानी इन्होंने बाउंड्री कराई हुई है प्लॉट की। अच्छा आपसे पूछना चाहेंगे जी, ये जो घर है ये आपका ही है? हाँ जी हमारा है। तो अगर हम यहाँ बात करें पानी की बिजली की तो आपको सारी सुविधाएं मिलती है? सारी सुविधा। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको बिजली पानी की सारी सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। अच्छा जी आपसे पूछना चाहेंगे थोड़ा सा, जैसे आप काफी टाइम से यहाँ रह रहे होंगे तो यहाँ पर आलम भाई का स्वभाव आपको कैसा लगता है? अच्छा है। कोई ऐसे तो नहीं कहते कि जी हमें आज ही किस्त दो सारी? जो नहीं, भी नहीं ये कुछ नहीं है, हमारे तीन तीन प्लॉट है, कुछ भी नहीं कहते। तीन तीन प्लॉट ले रखे हैं आपने? क्या बात है। बिल्कुल। और अगर किस्त कभी लेट हो जाती है तो कुछ नहीं कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं। तो आपने भी लिया हुआ है जी यहाँ प्लॉट? हाँ जी। तो आप किस्तों पे लिया हुआ है या कैश लिया है? नहीं किस्तों पे लिया। किस्तों पे। हाँ जी। तो किस तरह से लगता है आपको, मतलब आलम भाई कैसे आदमी है, किस्तों के बारे में बताएं? तो कभी 3,000 कभी 4,000 जैसे मर्जी जैसे दे रही, कभी दे भी नहीं रही, 4-5 महीना तो गई नहीं। अच्छा, जब आलम भाई टोका नहीं, सब सारी सुविधा है। 4-5 महीने किस्त देने के बाद भी आलम भाई ने आज तक टोका नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और भी हमारे भाई यहाँ पर खड़े हुए, जैसे कि सर आपसे पूछना चाहूंगा, आपने भी घर लिया हुआ है यहाँ? हाँ जी। किधर की तरफ है जी? ये देख सकते हैं। तो ये आपने किस्तों पे लिया या एक साथ पैसा दिया? नहीं किस्तों पे लिया था, वो किस्त भी अदा कर दी उनकी। क्या बात है। सर आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जैसे इस जगह से अभी जो हम हैं जहाँ पर जी जी जी, इसकी लोकेशन क्या है, जगह का क्या नाम है? ये है राजनगर फेज 3। ठीक है जी, जी। राजनगर फेज 3 के अंदर अगर हम प्लॉट लेना चाहें तो कितने साइज के ले सकते हैं? जितना साइज आपको मिल जाएगा, 25 गज, 30 गज, 50 गज, 100 गज, 200 गज, जो भी साइज चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, जैसे प्लॉट हमें पसंद आया था, जैसे कुछ भाइयों ने ये प्लॉट ले रखे हैं, बाउंड्री करा रखी है, अगर उनके पास पैसा नहीं है और वो बनवाना चाहते हैं आपसे तो ये काम भी आप करते हैं? जी बना के भी देते हैं सर। बना करके भी देते हैं। तो दोस्तों आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लॉट लीजिए, उसको बनवाइए और उसके बाद आपको ओनली 25% जमा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम एक और घर आपको दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं ये दो घर बने हुए हैं और यहाँ पर बिजली का मीटर भी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखो पानी का समरसीबल भी लगा हुआ है। तो ये भाई हमारे इस घर में रहते हैं। सर ये बताएं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सु अजीत कुमार सिंह है सर। अजीत कुमार सिंह। तो सर ये बताइए, जैसे आपने यहाँ प्लॉट लिया आलम भाई से, तो आपको कैसा लग रहा है और आपने प्लॉट कैसे लिया था? सर मैंने मकान ही लिया
प्लॉट की बात ही छोड़ो, उन्होंने हमें दिखा दिए, उसके बाद हमें बोले आप आके रहो। ठीक है जी। तो मैंने ये लिया, आज हमें 4 साल हो गया यहाँ। हमारे जानने वाले कम से 100 से 150 हैं, किसी भी कॉलोनी में पूछ लो बंदे इनके कितने हैं, कम 150। ये हमारे जानने वाले भी लिए हैं, ये भी एक केदारनाथ है, ये भी जानने वाले ये भी लिए हैं, उसके बगल में लिए हैं, ऊपर स्कूल बन रहा है, स्कूल का हम ही दिलवाए हैं, 1000 स्क्वायर फीट है। क्या बात है। उसके बाद में हमने उनका कारोबार बढ़िया देखा, इसीलिए मैंने उनको, जब इंसान गलत होता तो थोड़ी मैं इतना बंदे को दिलाता है, ऐसे ऐसे करता, मैंने अच्छा बंदे हैं, ऐसे ऐसी बात है, हर चीज फसानती दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे आपने किस्तों पे घर लिया है तो उन्होंने कभी ऐसे तो नहीं कहा कि सर जैसे किस्त आपकी देर से जा रही है तो जल्दी किस्त? ना 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 ना, ऐसी कोई नहीं, पूरा देते हैं, बिल्कुल टाइम दिए। या इसको मैं दिलवाया हूँ बगल वाले में, इनका किस्त 2 साल नहीं गया है, कभी आज तक टोके नहीं, ना कभी बोलने आए, या बोरिंग उनका भी करवा के दिए, किस्तों पे दिए। यहाँ 70 गज ये मेरी छोटी वाली बुआ का बन रहा है, आज तक उन्होंने ये नहीं बोले ये चीज के लिए। आज मैंने फोन किया हूँ, तुरंत सीमेंट गिरवाए, तुरंत वो गिरवाए, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो दोस्तों ये घर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे जो घर बनना है ये भी इनके रिलेटिव का है, यानी लोग यहाँ पर एक दूसरे के रेफरेंस से आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, सर बिजली पानी और बताएं, बिजली पानी की व्यवस्था? बिजली पानी जो है सर 24 घंटे में 1 घंटे के लिए सुबह जाता है, 1 घंटे शाम के लिए जाता है, 22 घंटे रेगुलर रह रही है लाइट। अगर आप यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल अपनों के पास घर बना रहा हूं। हाँ, आपके पास 40-50 हजार भी है, उनके दे दिए, बोल दिए इतना परेशानी है, तो वो बेचारे खुद अपना आके बनवा देंगे, आके तू रहे बस। क्या बात, अब इससे ज्यादा और कौन करेगा ये बात। तो दोस्तों देखो, इतना कर दिया, इतना ही बहुत है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर, जैसे कि सर ने बताया यहाँ पर बहुत खुश है प्लॉट लेकर, इस कॉलोनी के अंदर अभी तक आपने कितने घर बनवा दिए होंगे? लमसम 5000 घर बता दिए जी। 5000 घर, और अभी प्लॉट खाली है जी? प्लॉट खाली अभी। यानी दोस्तों खाली प्लॉट है, आप प्लॉट लेना चाहते हैं प्लॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो बनवा करके लेना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं जी, दोनों चीजें। सर बनवाने में हमें कितने पैसे पहले देने होते हैं? 30% लमसम। यानी 30% आप पहले दे करके बाकी का किस्तों में देकर के आप 3 साल में घर के मालिक बन सकते हैं। साजिद भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप बना करके दे रहे हैं सभी प्लॉट, एक ये प्लॉट देख रहा हूँ ये भी बनना है सर, कितने गज का प्लॉट है, किस तरह से बना के दे रहे हैं? जी ये 100 गज का प्लॉट है। हाँ जी। और ये हम बना के दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 100 गज का प्लॉट सर किस तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें 3 दुकानें हैं जी, 3 दुकान है इसके अंदर, और 2 रूम है। ठीक है, रसोई लेटरिंग बाथरूम बाकी जीना। ठीक है दोस्तों, लेंटर के साथ अगर आपको चाहिए लेंटर के साथ आप ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे टुकड़ी पट्टिया यानी पत्थर वाला घर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा जी, दोनों चीज मिलेगा, दोनों चीज मिलेगा, और उसी हिसाब से आप प्राइस लेते हैं जी, बिल्कुल। और जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, पीछे देख सकते हैं काफी घर यहाँ पर बने हुए हैं, और ये सभी आलम भाई ने बना करके दिए लोगों को रहने के लिए, और लोग इन घरों की किस्त दे रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर एक तरह से अगर दिल्ली NCR के अंदर हम कहीं भी प्लॉट लेते हैं लेकिन आज तक किसी ने बना करके नहीं दिया है जी सर, तो पहली बार दोस्तों YouTube पर एक ऐसी चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जिसके अंदर अगर आप दिल्ली NCR में कहीं प्लॉट ले रहे हैं तो वो आपको बना करके दिया जा रहा है, और यहाँ पर एक नहीं हजारों प्लॉट आपको इस तरह से बनते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर घरों के ऊपर टंकियां भी रखी हैं, यानी पानी की पूरी व्यवस्था है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, हर तरह की फैसिलिटी आपको इस जगह पे मिलने वाली है। सर अगर हम बात करें आपके पास कितनी तरह के प्रोजेक्ट हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं? सर अपना जो भी प्रोजेक्ट है यहीं आसपास में 8-10 साइट अपने पास। ठीक है, हर जगह का रेट अलग अलग है और हर जगह का जो प्राइस है वो अलग अलग है। ठीक है, सब जगह बना देते हैं, जहां आपको प्लॉट पसंद आएगा वहां हम बना के देंगे आपको। तो एक तरह से कह सकते हैं सर, आपने तो लोगों का एक सपना होता है कि घर हो अपना जी, वो आपने पूरा कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दोस्तों प्लॉट तो देखो सभी ले लेते हैं लेकिन बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हो पाते। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको प्लॉट भी मिलेगा और आपके लिए बना करके भी दिया जाएगा। ये सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती है जो है हमारे आलम भाई। आलम भाई। तो दोस्तों एक और जगह मैं आपको लेकर के आया हूँ, देख सकते हैं कितना अच्छा घर बना हुआ है। हमारे बहुत सारे भाई हैं इस तरह के प्लॉट बना के यहाँ पर रह रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है। सर आपका क्या नाम है? अनिल यादव। अनिल यादव जी। तो सर आपने जो आलम भाई से प्लॉट लिया है जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपने किस्त वगैरह पैसे वगैरह पूरे दे दिए? जी सर दे दिए। तो आज जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ पर फैसिलिटीज की बात करें, लाइट पानी बिजली सब मिल रहा है आपको? जी जी।
क्या बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर प्लॉट लेकर के, आप भी यहाँ पर अपने रहने के लिए घर ले सकते हैं। आलम भाई आपकी जो प्रॉपर्टी आपने दिखाई हमें तो बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों आलम भाई को जरा भी टाइम नहीं मिलता है इसलिए साथ में हमारे साजिद भाई गए थे, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी हमें दिखाई है। और दोस्तों यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि आलम भाई से मिलने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको बने बनाए प्लॉट मिलते हैं। आलम भाई अगर हमारे व्यूवर्स आपके पास आना चाहें कैसे आ सकते हैं, आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है, क्या टाइमिंग होने वाली है? सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है। हाँ जी। और जी खजूरी भजनपुरा आपने सुना ही होगा, जो सिग्नेचर ब्रिज पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। सिग्नेचर ब्रिज के पास में ही पड़ता है, 6 किलोमीटर हटके पूजा कॉलोनी पड़ता है सिग्नेचर ब्रिज से। हाँ जी। आप इधर से भी आ सकते हो खजूरी की तरफ से, और सादरा की तरफ से भी आ सकते हो, शिव विहार मेट्रो से भी आ सकते हो, किधर से भी आ सकते हो आप, जिधर से आप आना चाहो, और जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो आप। तो दोस्तों आपको पूरी लोकेशन भेज दी जाएगी, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल सिराज सेफी को सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जिसे आप हमेशा भूल जाते हैं यानी घंटे का बटन बेल आइकन, उसको जरूर दबाएँ, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।